नमस्कार बांगलार रान्नाबाड़ी चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमी तैरी करब कातला माछ पोस्त दिए। এই জায়গায় নিয়েছি 11 পিস কাতলা মাছ আর নিয়েছি 50 গ্রাম পোস্ত। মাছগুলোতে আমি নুন হলুদ মেখে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আমি নুন আর দিয়ে দেব আমি গুঁড়ো হলুদ। মাছগুলোতে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। খুব সুন্দর করে মাছগুলোতে নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। कड़ाई बसिए दीजिए। ये दिए दीची सर्षार तेल 4 टेबिल चामच। तेलटा आमी भालो करे गरम करे नेब। ये छेड़े दीची माछगुलो। आमी 4 पिस माछ प्रथमे भेजे नेब। एक पिट माछ भाजा हयेछे। आमी माछगुलो उल्टिए दीची। माछ भाजा हुए छे। हमें सोनाली कलर करे माछगुलो भेजे तुले नेछी। आस्ते आस्ते करे माछगुलो तुलते हबे, ना हले भेंगे जावार सम्भावना थाकबे। सब माछ आमी एकी भावे भेजे नेब। माछ भाजा हुए छे। एते आमी दिए दिच्छी एकटा माझेरि साइजेर पेंयाज कुचि आर दिए दिच्छी सामान्य नून। प्याजगुलो एबार आमी एकटु हल्का हल्का करे भेजे नेब। बेशी भाजार दरकार नेई। एते दिए दिच्छि दुटो काचा लंका चेरा। दिए एकटु नाड़ाचाड़ा दिए नेछि। प्याज भाजा होयेछे। एते दिए देब आमी पोस्त बाटा 2 टेबिल चामच आर दिए देव आमी 1 टेबिल चामच काजू बादाम बाटा। एबार एकटु नाड़ाचाड़ा दिए नेछि काजू आर पोस्त बाटा एकटु नाड़ाचाड़ा दिए निलाम। एते दिए दिच्छि आमी 1 चा चामच काचा लंका बाटा। दिए सबकटा उपकरण एक संगे भेजे निच्छी हल्का करे। देखुन मसला थेके तेल उठछे। एते आमी दिए देबो 100 ग्रामेर मतो दई। दईटा आमी आगेई फेटिये रेखेछिलाम। दई दिए आमी खानिकटा कषिये नेबो। कषानो हयेछे। देखुन तेल उठछे। एते दिए दिच्छि आमी हाफ चा चामच चीनी। चीनीटाते स्वाद आनबे एइजन्य आमी चीनीटा दिएछि। आर जारा चीनी पछन्द करेन ना तारा चीनीटा देबेन ना। एते दिए दिच्छि बाटि दिये हाफ बाटि मतो जल। एतटुकुई जल देब माछटा सिद्ध हबे आर ग्रेविटाओ एकदम घन हये आसबे। माखु माखु हबे। ग्रेविटा फुटछे। एते दिए दिच्छि आमी स्वाद मतो नुन। नूनटा दिए एकटु नाड़ाचाड़ा दिए निलाम। नूनटा जेनो मेशे सुंदर भावे। ग्रेविटा फुटे उठेछे। एते छेड़े देब भेजे रखा माछगुलो। एई रान्नाटा जारा खाननि एटा अवश्यई करे खाबेन। खेये आमाके कमेंटे जानाबेन जे केमन लागलो रान्नाटा। आशा करि खुबई भालो लागबे आर रान्नाटा खूब टेस्टी रान्ना। एई रान्नाटा अवश्यई বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। এতে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চা চামচ আর দিয়ে দেব হাফ চা চামচ ঘি। আমার রান্না পুরোপুরি তৈরি। 1 মিনিট ফোটাবো তারপর আমি নামিয়ে দিচ্ছি রান্না। আমার রান্নাগুলো যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, তাতে একদমই ভুলবেন না। আমি আবার নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।